मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित राज्य स्तरीय अंगीकार अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्ज्वला और आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित राज्य स्तरीय अंगीकार अभियान के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्ज्वला और आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाना है। जयराम ठाकुर ने इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन और आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत 5,829 लोग कवर किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये अभियान केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 29 अगस्त से शुरू किया गया और इसे प्रदेश में आधिकारिक रूप से 2 अक्टूबर को मंडी जिला से प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले दुष्प्रभावों तथा पर्यावरण संरक्षण के बारे लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस माह की 27 तारीख तक प्रदेश देश भर में ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध होगा। अंगीकार अभियान का आरंभ भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त को शुरू किया गया था और आज ये अभियान अपने समापन के इस दौर पर पहुंचा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हम शहरी क्षेत्रों में जिन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के लिए काम कर रहे हैं उसमें अवेयरनेस के साथ साथ में जानकारी देते हुए उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा करके एक मुकाम तक पहुंचाएं। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस अभियान की शुरुआत यहां मंडी से की गई थी, आज धर्मशाला में इसका समापन हो रहा है और इस अभियान के इस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में भी विभाग के माध्यम से किए गए, जिसमें ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, स्वास्थ्य व स्वच्छता से संबंधित जागरूकता और लाभार्थियों को केवल घर देना ही नहीं बल्कि ऐसे वातावरण तैयार करना जहां लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के साथ मूलभूत सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध कराई जा सके। डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया और जिसमें नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, छोटी रैलियां, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, पेंटिंग, भाषण प्रतियोगिता, ऐसी बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है। इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि एक सफल कार्यक्रम जो आज समापन के इस दौर पर पहुंचा है, ये अभियान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के समक्ष रखा था, उस अभियान को आप सब लोगों के सहयोग से हम पूरा करने की परिस्थिति में हुए हैं। एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई।